कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक 152 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, लगातार ये जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में 27, जयपुर में 24, राजसमंद में भी 24 कोरोना पॉजिटिव मिले, अजमेर में 19, उदयपुर में 18, पाली में 7, बाड़मेर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, नागौर में 5, डूंगरपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीकानेर, धौलपुर, सीकर, सिरोही में 3-3 कोरोना पॉजिटिव मिले, भीलवाड़ा, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनू, कोटा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाहरी राज्य से आए एक व्यक्ति में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 6,894, 2 बजे तक की रिपोर्ट में 152 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, लगातार ये जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश वोला फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, देखिए लगातार ये जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, थोड़ी राहत की बात ये भी है कि लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या इंतजाम कहां से ज्यादा ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं? ये बिल्कुल लगातार प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और आज 2 बजे तक की बात करें तो प्रदेश में आज 152 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, और अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6,894 हो चुकी है। लगातार प्रदेश में जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उसमें सबसे अधिक संख्या जो प्रवासी राजस्थानी है उनकी सामने आ रही है, और उसमें बात करें तो अब तक 1551 जो प्रवासी है वो कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। लगातार जो प्रवासी प्रदेश में आ रहे हैं उनके सरकार की ओर से क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन लगातार जो प्रवासी आ रहे हैं उसमें सबसे अधिक संख्या पॉजिटिव की वो सामने आ रही है। बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक जो प्रवासी है उनमें से जो जालौर और डूंगरपुर में सबसे अधिक जो प्रवासी कोरोना संक्रमित मिले हैं, और उसी के तहत लगातार जो कोरोना संक्रमण का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव है अब तक, और प्रदेश में अब तक जो बात करें तो जहां जयपुर में सबसे अधिक कोरोना मिले हैं, जो पॉजिटिव केसेस मिले हैं उसमें सबसे अधिक जयपुर में मिले हैं, और जयपुर में अब कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़कर 1761 हो चुकी है। इसी के साथ में जोधपुर में कोरोना का जो केसेज है बढ़ने का वो लगातार सिलसिला जारी है, और जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1216 हो चुकी है। ऐसे में लगातार जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उसमें सबसे अधिक जो संख्या अब प्रवासियों की आ रही है, और वो सबसे अधिक जैसे जालौर, पाली, डूंगरपुर सहित तमाम जो जहाँ से अधिक प्रवासी राजस्थानी प्रवासी वो आ रहे हैं वहां से कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। सरकार की ओर से इनको क्वारंटाइन करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। सरकार ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं कि इनको ग्रामीण स्तर पर जो कमेटियां बनाकर जो शेल्टर होम बनाकर उनको वहाँ क्वारंटाइन किया जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। जी लोकेश, देखिए एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस प्रकार से अब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और उनकी रिकवरी हो रही है, किस प्रकार से उनके डिस्चार्ज के इंतजाम किए जा रहे हैं, कितने दिनों में उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है और क्या क्या एहतियात बरतने को उन्हें कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और अब प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक 3,816 जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको ठीक हो चुके हैं, साथ साथ उनमें से भी 3,376 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में लगातार जिस तरह से जो रिकवरी रेट है वो 50% से अधिक प्रदेश में है वो लगातार बरकरार है। हालांकि जो कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच जो कैपेसिटी जो दायरा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और प्रदेश में अब तक के प्रदेश में बात करें तो 3,17,067 जो कोरोना के सैंपल है वो ले जा चुके हैं। ऐसे में लगातार जिस तरह से प्रदेश उन राज्यों में आ गया है जो 4 राज्यों में स्थान रख रहा है जहाँ पे 3 लाख से अधिक कोरोना के जो टेस्ट है वो किए जा चुके हैं। जी लोकेश, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।